रायबरेली भूमाफियाओं द्वारा जबरन किया जा रहा भूमि कब्जा, पीड़िता ने उपजिलाधिकारी से लगाई न्याय की गुहार। जनपद में इस समय भूमाफियाओं के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। भूमाफियाओं को ना तो प्रदेश सरकार का डर है, ना ही प्रशासन का कोई खौफ। अपनी दबंगई व सरहंगाई के बल पर दूसरे की जमीन अपने कब्जे में करने से बाज नहीं आ रहे। ऐसा ही मामला बछड़ावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत सराय उमर का है। उक्त ग्राम की रहने वाली पीड़िता गीता पुत्री रामनिहोर ने उप जिलाधिकारी तहसील सदर रायबरेली को शिकायती पत्र देकर अवगत कराया कि गांव के रहने वाले वंश बहादुर सिंह, जितेंद्र सिंह, धर्मेंद्र सिंह, संतोष सिंह पुत्रगढ़, राम बहादुर सिंह, देवेंद्र प्रताप सिंह, सत्यम विवेक सिंह पुत्र राम बहादुर सिंह, प्रद्युम पुत्र शिव भाई सिंह, साधना सिंह पत्नी वंश बहादुर सिंह खुद को प्रधान बताते हुए मेरी जमीन गाटा संख्या 422 पर जबरन दो ट्रक गिट्टी व मोरंग डालकर कब्जा कर रहे थे, जिसको मना करने पर जात सूचक गालियों के साथ जान से मारने की धमकी देते हुए कहा तुमको जहां जाना हो जाओ, मेरा कुछ नहीं कर पाएगा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़िता की डायल 112 पर कॉल कर केस की सूचना पुलिस को दी। मौके पर 112 की पुलिस पहुंची तब पीड़िता की जान बची। अंशु श्रीवास्तव, मंडल क्राइम ब्यूरो चीफ, लखनऊ। क्या नाम है आपका? गीता नाम है भैया। हम काशी समाज से बिलोंग करते हैं। ग्राम सराय उमर, ब्लॉक हरचंदपुर, थाना बछड़ावा, डिस्ट्रिक्ट रायबरेली। थाना कौन लगता है? बछड़ावा लगता है। अच्छा, आज कहाँ पे आई हैं? आज हम यहीं आए मैडम से मिलने, एसडीएम मैडम से मिलने तहसील आए हुए। अच्छा, क्या हो गया आपके? भैया हमारे यहाँ एक थोड़ी बंजर जमीन है जिसमें हमारे पूर्वजों से कब्जा चला आ रहा है, उसी में हम गुजर बसर करते हैं। और उसको क्या कर रहे हैं, हमारे गांव के एक वंश बहादुर सिंह है, वो दबंगई राजनीतिक बल के कारण जबरन उसमें कब्जा कर रहे हैं, दो ट्रक गिट्टी और मोरंग गिरवा दिए हैं। वंश बहादुर सिंह, प्रद्युम्न सिंह और देवेंद्र प्रताप, विवेक सिंह और धर्मेंद्र सिंह और संतोष सिंह, साधना सिंह, ये सभी लोग आज मिल के भैया पुलिस के सामने 112 नंबर पुलिस वहीं पे खड़ी हुई थी, उसी के सामने जो है मारपीट के लिए बोले लाते बिछा देंगे। और वो बेचारे पुलिसकर्मियों ने किसी तरह से हमारे लोगों की जान बचाई तो हम लोग बच पाए। थाने गए थे आप? हाँ, थाने को हमने फ़ोन किया तो इन्हीं ने कहा हमारा मैटर नहीं है, एसडीएम के पास चाहिए। ठीक है सर, रखो। ठीक रखो। और भैया उसका हमारी जमीन है, ये इसका मामला विचाराधीन है एसडीएम मैडम के यहाँ, इसके बावजूद भी वो दबंग कह रहा है कि जो है चाहे जिसको बुला लाओ, चाहे डीएम को चाहे एसडीएम को। आपकी कार्रवाई नहीं होगी, कहाँ जाएंगी आप? भैया क्या करेंगे, देखेंगे, मैडम से मिलेंगे, जिलाधिकारी से।